देश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सख्ती के लिए जाने जाते हैं। सीएम योगी के फैसलों से हर कोई चौंक उठता है। एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, जिसे सुनने के बाद कई कर्मचारियों के होश उड़ चुके हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में एक बार फिर बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। हालांकि सीएम योगी हमेशा अपने सख्त तेवर, अंदाज और कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार सीएम योगी के फैसलों से कई लोगों की नींदें उड़ने वाली है। और तो और सीएम योगी आदित्यनाथ भी बड़ी जांच परख कर एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, लेकिन सीएम योगी ने अब क्या बड़ा फैसला लिया आगे आपको बताते हैं। असल में राज्य सरकार एक बार फिर 50 साल से ज्यादा उम्र के सरकारी कर्मचारियों को जबरन रिटायर करने का फैसला कर रही है। राज्य सरकार उन कर्मचारियों को रिटायर करेगी जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। कुछ इसी तरह योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में भी 650 कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया था। इसमें सबसे ज्यादा कर्मचारी पुलिस विभाग के थे। राज्य के चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक सभी विभागों को 31 जुलाई तक ऐसे कर्मचारियों को जबरन रिटायर करना होगा जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही है और जो नॉन परफॉर्मेंस कर्मचारी हैं। इसके साथ ही शासन को इस तरह के कर्मचारियों को रिटायर करने की जानकारी 15 अगस्त तक देनी होगी। फिलहाल राज्य में योगी सरकार आने के बाद ही यह प्रक्रिया शुरू हुई थी। वैसे तो मोदी सरकार ने नॉन परफॉर्मेंस कर्मचारियों को जबरन रिटायर करने की प्रक्रिया अपनाई थी। ठीक इसी तरह ही 2017 के बाद से योगी सरकार ने भी इस पर काम करना शुरू किया। अब इस फैसले के बाद कई सरकारी कर्मचारियों की तो नींदें उड़ चुकी हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आगे के लिए कड़े संदेश देना शुरू कर दिया है। चित्रा सिंह की रिपोर्ट, R9 न्यूज़।